तो और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से लेके आ चुका हूँ सोलो कॉन्करर रैंक पुश की वीडियो। और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल क्या हुआ था, बड़ा गलती सुन हुआ है मेरे साथ ना। ऐसे ऐसे हैकरों ने मारा है ना, जो जो मारा है, मतलब आज तक उसका दर्द हो रहा है। तो मतलब कल क्या ही माइनस लगे, जिसके कारण से कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं वीडियो अपलोड की है, तो वीडियो को पूरा देखना। और आज मेरे आपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी करा दी, तो थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। और अब हमें 600 भी कंप्लीट करना है, तो जल्दी जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ज़रूर कर लेना। तो अब हम बात करते हैं गेम प्ले की। तो आज का गेम प्ले तो क्या ही खतरनाक होना है, आप भी देखने के बाद बोलोगे वाह भाई गेम प्ले हो तो ऐसा। तो आज हमारे गेम प्ले में मतलब आ जाता है एक ब्लड रावण, आपने देखा ही है। तो अब हम उतरते हैं यहाँ पे इवेंट पे। तो यहाँ पे अब क्या ही तबाही मचाने वाला तुम्हारा भाई, बस देखते चलो। तो सबसे पहले मैं टिप्स में आपको दे देता, स्टार्ट कर देता हूँ अब। तो टिप नंबर 1 है कि आपको जब यहाँ पे उतरना है ना, तो मतलब गन वन लूटना है। अगर जो गन भी मिले बस उसको लेके थोड़ी देर तक कहीं भी एक जगह होल्ड करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, मतलब आप अगर स्टार्टिंग में अगर बच जाते हो ना, तो लास्ट तक आप यहाँ पे अच्छे खासे किल निकाल लोगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही बंदे ज़्यादातर मर जाते हैं, तो जिसके वजह से किल नहीं निकलते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बच के रहना है, थोड़ा होल्ड करना है, कि उसके बाद ही आपको जब थोड़ा माहौल शांत हो जाए ना, उसके बाद ही, नहीं तो यहाँ क्या ही भसड़ मचती है आपको भी पता है। तो यहाँ पे एक बंदा आता है, मैं उसको इजली किल करता हूँ। देखो ये बंदा सामने बैठा रहता है, मुझे पता है यहीं पे बंदे कैंपिंग करते हैं, और मैं रेडी होके आया था। जिस बंदे ने यूजी जैसे चलाई, बट मैं यहाँ पे साइड होके और इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब मैं इसकी आके पेटी लूटता हूँ, तब से ब्लड रावण का नाम आने लग जाता है। ऊपर देख सकते हो आप किल फीड में उसका नाम आ रहा है। उस बंदे का नाम था अकबर और इस बंदे का नाम आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लूटता उठता हूँ लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट लूटने के बाद, यहाँ मुझे MG भी मिल जाती है। तो MG 3 लेके इस टावर पे एक बंदा रहता हूँ, तो मैं इस पर सीधा कर देता हूँ रश। और आपको भी पता है इस टावर पर रश करना मतलब है जान जोखिम में डालना, क्योंकि यहाँ पे क्या ही गंदी कैंपिंग होती है, और बंदे पे हाइट का पूरा एडवांटेज रहता है, जिससे हमें तो मारना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट यहाँ पे मैं किसी तरह इस बंदे से फाइट लेता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा जाता हूँ, डैमेज देके वापस आ जाता हूँ। अब ये बंदा डैमेज हो जाता है तो नीचे जंप कर जाता है। अब जैसे ही जंप करता है, मैं इसको फिर पीछे से आता हूँ इसको मारने के लिए, और इजली मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और अब इस बंदे का नाम याद रख लो, इसका बंदे का नाम था माफिया। इसके आगे चल के भी मेरे इसके साथ फाइट होने वाली है। अब उस बंदे को मारने के बाद मैं थोड़ा सा इसका पावर यूज़ करके इस साइड आ जाता हूँ, मुझे पता है इस साइड बंदे ज़रूर होंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, अब देखो क्या ही सीन होने वाला है। यहाँ एक बंदा, अब देखो कब से मतलब कैम्प करके बैठा रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। अब मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ फुटस्टेप आता है, और मैं इस बंदे को ईजिली मार देता हूँ एक ही जंप शॉट में। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मतलब इसको हील उल करते ही रहता हूँ, पीछे से एक बग्गी आ जाती है। और देखो ये वही ब्लड रावण था सामने, जिसको मैंने फिनिश किया अभी, अकबर नाम का बंदा था ये। मतलब बोट मारने के चक्कर में मारा गया, यहाँ पे आया था शायद रिकॉल लेने, और शायद इसको रिकॉल भी नहीं मिलता है। अब जैसे इस बंदे को मारता हूँ, सामने से एक और बंदा आ जाता है, और इस बंदे को होती है DPS। तो ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होकर रश करता है, बट मेरे पे भी MG थी, तो मैं इसको भर देता हूँ यहाँ पे। अब इस बंदे को भरने के बाद जैसे ही मैं हील करता हूँ और अपनी गन रिलोडिंग पे लगाता हूँ, तो एक बंदा आ जाता है और मुझ पर रश करने। अब देखो मेरी इसकी क्या ही फाइट होने वाली है। और ये बंदा कुछ ज़्यादा मतलब ख़तरनाक खेल रहा था, अब देखते चलो। और जैसे ही मतलब इसके साथ मेरी फाइट स्टार्ट होती है, मैं इस बंदे को इजीली मार सकता था, बट पीछे से एक बोट आ जाता है और मुझे लगता है कोई बंदा आ रहा है, तो मैं उसको मारने लग जाता हूँ। तब तक ये बंदा पीछे चला जाता है, और यहाँ पे फिर मैं अपनी गन रिलोड पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पे एमओ भी ख़त्म हो जाती है MG की। अब बस देखते चलो यहाँ पे क्या ही सीन होता है। अब वो बंदा इधर सामने आ जाता है, मुझे लगता है वो बंदा इधर होगा, तो मैं फ्री फायर देता हूँ, बट वो बॉक्स के पीछे आ जाता है, जहाँ पे पीक लेके मुझे मौली फेंक देता है। बट यहाँ मैं कवर में आ जाता हूँ। अब मेरी इसकी फाइट देखो, यहाँ पे मेरे MG यहाँ पे क्या ही सीन हुआ, मतलब मैं जब तक मैंने AKM उठा के उसे फाइट ली, तब तक उस बंदे ने इजली मार दिया। अभी गलती हुई कैसी, मतलब यहाँ सीन क्या हुआ, मतलब मेरा लेफ्ट साइड था, उस बंदे का राइट साइड था, तो जिसके कारण से मैं मारा गया। वो बंदा अच्छा खासा कवर लेके मार सकता था, बट मैं नहीं मार सकता था, और उसने वही किया, मतलब आग बाहर आके डैमेज दिया, फिर से निकल के उसने मुझे मार दिया इजली। तो ज़्यादातर कोशिश करा करो अपने राइट से जाके फाइट लेने की, क्योंकि राइट साइड से क्या रहता है ना, अब व्यू ज़्यादा मिलता है, जिससे आप बंदे को ईजिली मार सकते हो, इसलिए मेरी वहाँ पीटी बन जाती है। अब मैं रिकॉल होकर उतरता हूँ, और यहाँ पे मैं डासिया लेके जाता ही रहता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सोचता हूँ इस घर को लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी लेवल 1 वेस्ट थी और लेवल 1 हेलमेट था। तब तक ये बंदा आ जाता है, पहले तो मैं सोचता हूँ वहाँ फाइट लें, बट मैं खुले वहाँ फाइट नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ऐसे उतर के फाइट लो ना, मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डासिया लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ बंदा पीक नहीं लेता है, तो फिर मैं डासिया निकल लेता हूँ। मैं इस साइड आके डासिया लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बंदा वहाँ पर ग्रेनेड मौली ज़रूर करेगा। तो मैं यहाँ पर चला आता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ, अब मैं देखता हूँ बंदा पीक को ले फायर वायर दे, बट वो बंदा घर में आ रहता है और यहाँ पे कोई फायर नहीं था, तो मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे अंदर आता हूँ,
अब देखो क्या ही सीन होता है यहाँ पे। थोड़ी देर में वेट करता हूँ मैं, सोचता हूँ बंदे को 500, बट यहाँ पे वो बंदा नीचे चला जाता है जैसे मैं ऊपर आता हूँ। अब नीचे जंप कर जाता है तो वो बंदा मेरे पे यहाँ पे ग्रेनेड पिन करता है। अब जैसे वो बंदा यहाँ पे ग्रेनेड पिन करता है मैं नीचे जंप कर जाता हूँ उसको फाइट लेने के लिए, बट वो बंदा अंदर रहता है वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फ्री फायर देता हूँ, यहाँ पे मेरी एमओ भी मतलब देखते चलो, यहाँ पे फ्री फायर चक्कर में अच्छा खासा मतलब यहाँ पे मैंने एक मौसिन मारा बट वो नहीं मारा और मेरी पेटी बन गई। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।